हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के सोजत रोड के पास सौराड़ बाबा रामदेव मंदिर के समीप ऐतिहासिक नौखंडीय सार्वजनिक बावड़ी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण कभी भी हादसा हो सकता है। यह बावड़ी पहले पूरे गांव के लिए पेयजल का प्रमुख साधन हुआ करती थी। जर्जर होने के बाद इसका महत्व खत्म हो गया। आज भी बावड़ी में पानी है, मगर खंडर होने के कारण इसे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। कई बार ग्रामीणों और पुजारी परिवार ने लिखित में अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार पुरातत्व विभाग को भी अवगत करवाया, मगर बावड़ी संरक्षक घोषित नहीं होने के कारण यह बावड़ी बदहाल होती जा रही है। रिपेयरिंग के लिए उन्होंने लिखित में अवगत करवाया कि आप ग्रामवासी इस बावड़ी को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रिपेयरिंग करवाई जा सकती है। बावड़ी रिपेयरिंग नहीं होने के कारण कभी बड़ा हादसा हो सकता है। पास में बाबा का मंदिर होने के कारण आए दिन यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा या जान हानि हो सकती है। 19 अगस्त को बाबा रामदेव मंदिर के मेले में आए राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने बावड़ी का निरीक्षण कर बावड़ी के रिपेयरिंग के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बारे में आपने किसी को बताया? ये बहुत ऐतिहासिक बावड़ी है, कई बार प्रशासन को अवगत कराया मगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बावड़ी बहुत ही खंडर है, 9 खंड की बावड़ी है ये, और गांव की मुख्य बावड़ी ऐतिहासिक 9 खंडीय सार्वजनिक बावड़ी है। पहले पूरे गांव यहाँ पानी पीता था, मगर प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ये पूरी खंडर हो गई है और पूरी की पूरी ये कचरा पात्र की बावड़ी हो गई है। कई बार पुरातत्व विभाग को अवगत कराया मगर स्मारक में घोषित नहीं होने के कारण ये बावड़ी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। उन्होंने बोला स्थानीय प्रशासन का सहयोग करे, स्थानीय प्रशासन के काफ़ी बार कहा मगर उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की और ये बावड़ी जर्जर होती जा रही है। कभी भी ये गिर सकती है, कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है। यहाँ हजारों भक्त आते हैं, हर वर्ष हजारों भक्त आते हैं, कभी भी बड़ी हानि हो सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सोजत रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।